अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? होप ठीक ठाक होंगे। आज की ये वाली वीडियो आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपके भाई ने फाइनली हैंडकैम ऐड कर दिए। काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की, तो मैंने कहा भाई चलो मजा आएगा। एंड उसके साथ साथ हम लोग एक्स सूट पहनकर खेलने वाले हैं, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड जो टीममेट आप लोग मेरे साथ देख रहे हो, हमारे हसीब भाई एके डंकी प्लेस, तो चलो भाई यहाँ पर डेडली डुओ होने वाला। सबसे पहले गन उठाते हैं। गन नहीं है, बंदा है सामने, ये मुक्के मार रुक तेरे की तो ऐसी ऐसी। तो तुम्हारे भाई ने इसको यहाँ पर चाकू पेल लिया। अब यहाँ पर भाई अपनी लूट हो चुकी थी, ऊपर बंदे की साउंड आ रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई ऊपर चलते हैं पानी से, जरा सरप्राइज देते हैं इसको। ओहो, बकरा कब तक खैर मनाएगा, कभी तो छुरी के नीचे आएगा। इसके साथ भी वही सीन हो जाता है। एंड गाइस, आप लोग को बताना था, मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो माइक है वो अब मैं पीसी का यूज कर रहा हूँ, लॉजिटेक का माइक है। लेट्स सी आपको कैसी इससे आवाज़ वगैरह आती है। अब भैया यहाँ पर सच पूछो, एमो खत्म हो गया? नहीं तो भाई मैं इसको फिनिश तो कर ही देता। खैर यहाँ नीचे एक और बंदा था, असीब भाई ने उसको नॉक मार दिया। मैंने कहा चलो जो मैंने नीचे डैमेज किया था ना बंदा, उसको पकड़ लेता हूँ। और यहाँ किल भी मेरा स्केयर हो गया, चलो नाइस हो गया। अरे 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 भाई भाई, बेचारा गरीब पता नहीं कब उतरा यार ये, मतलब इसके पास तो एसकेएस थी। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पर जो बंदे थे फिर से आ चुके थे। मैं जैसे ही जाता हूँ बुलबुला मार के, और देखो सामने समझ नहीं आ रही थी यहाँ क्या चल रहा है मेरे साथ। अरे भाई हो जा, ओ फाइनली हो गया। तो यार ये अरबियों की यहाँ फेवरेट जगह है भाई, यहाँ पर टीवी भी लेकर बैठ जाते हैं। खैर जैसे तैसे इनको, ओ भाई साहब ये क्या था भाई भाई भाई, ये ऊपर कब आया, कैसे आया? खैर यहाँ पर ये देखो बंदा नोक है, इसके पास सेल्फ वाइव है, और उसकी चलाकियां देखो भाई, सेल्फ वाइव होने के लिए कहाँ चला गया। लेकिन यहाँ पर हमारे सीब भाई इसको ढूंढ लेते हैं, साथ इसकी फेंटी लगा देते हैं। एंड अब बारी थी यहाँ पर, ओ सामने बंदा है कोई, तो यार ये क्या होगी, अपने जाल में खुद ही फंस के। खैर अपने पास था नेड, और आप देखो भाई भाई मजा आने वाला आपको। ये क्या लूट रहे बेचारा, काय लूट रहे वे? यार मतलब इतनी स्किने विकने लेकर भी तुम कुछ ना कर पाए भाई, आप दिल से बुरा लगा आपके लिए। खैर चलो इवेंट पे चलते हैं। और भाई यहाँ तो जंग छिड़ी पड़ी है, तो चलो बंदे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे कोई तो है, जंप करना पड़ेगा मेरे को। इस बंदे को मैं नोक देता हूं, साथ ही फिनिश करता हूं। तो भाई साहब यहां पर देखना, बाकी के जो दो बंदे बचे हैं ना भाई, कतई प्रो बंदे हैं। अब ये वाला बंदा मेरे टीममेट को नॉक फिनिश डाल देता, तो मैंने कहा भाई मैं भी इसको फिनिश डाल देता हूँ। यहाँ पर भाई हो गया क्लियर, आई थिंक इवेंट। एक बंदा बचा है, तो एक बंदा मुझे लगा दूर ही होगा, आसपास तो साउंड आ नहीं रही थी, आप लोग भी देख सकते हो। तो मैंने कहा चलो जल्दी से यार अपना यहाँ पर रिस्पॉन कार्ड उठा लेते हैं, मसले ही कोई नहीं है। तो चलो कोई भी नहीं आसपास, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। यस यस लेट्स डू इट लेट्स डू इट। अबे इसकी साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाए, इतनी कैंपिंग करते हो शर्म नहीं आती? भाई उसका क्राउच तो देखो, क्राउच फंसा हुआ है बेचारे का, मेरे को मार गया यार। तालियां बनती है भाई इसके लिए। भाई 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 देखो यार, मतलब क्या बंदा था ये, असीब भाई को भी कैंपिंग करके नोक किया था इसने। तो खैर कोई बात नहीं, जल्दी रिवाइव करते। ये रहा कैंपर ऑफ द ईयर,
तेरी ऐसी की तैसी, मेरी गन वापस कर बदतमीज आदमी। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट वाले बंदों को इग्नोर कर देना भाया, उनको मैंने मारा ही नहीं जैसे क्योंकि यार ये हैंड कैम था तो मैं वो क्लिप काट नहीं सकता था। मैं हमेशा अच्छी फाइट ही अपलोड करता हूँ, एज यू नो अच्छे बंदे भी हैं इसके आगे, ये नहीं अच्छे बंदे, ठीक है। ये तो मैं वैसे ही चॉकलेट समझ के खा गया। अब अच्छे बंदे आ रहे हैं सामने से, एंड प्री फायर चेक करो। अब दो को प्री फायर में ले गया मैं, और उसको पता था P90 है मेरे पास, तो भाई उसने दौड़ लगा दी। ए सामने तो आ भाई, भाई क्या मूवमेंट दी बे। चलो लगे हाथ फिनिश करते हैं। HP देखो मेरी 1 HP कर गया, एंड इसको भी यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। एंड गाइस अगर आप न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो जल्दी से, 3 लाख तो हो जाए कम से कम, कर दो यार। खैर लाइक भी कर देना। उसके बाद यहाँ पर मेरी नज़र पड़ती है इनके चौथे बंदे की, बेचारा अपने ही मज़े में रिकॉल पर भाग रहा होता है जैसे से कोई देख नहीं रहा होता। खैर यहाँ पर साथ ही तुम्हारा भाई सीन डन कर देता है, एंड अब बढ़ते हैं हमारे सोलो स्क्वाड क्लचेस के ऊपर। भाई साहब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लो कर गया, बड़े वाली किट थी मेरे पास, जल्दी से किट मार लेते हैं। इसके बाकी के दो बंदे भी सामने से आ चुके हैं। को मार दिया, एंड जो ऊपर वाला बंदा है भाई कब से एक ही जगह बैठा है, तो मैंने कहा रुक तेरे को बताता हूं मैं। इस बेचारे की किस्मत खराब थी, मुझसे तो बच गया लेकिन सामने किसी और बंदे के हाथों टकर गया। खैर यहाँ पर तुम्हारा भाई ने इसका किल उठा लिया, किल तो मेरा ही बनता था यार, मैंने इतना टाइम लगाया, मेहनत लगाई इस पे। खैर उसके बाद यहाँ पर P90 वाला था, मैंने कहा इसकी जरा P90 तो उठाएं, और सामने वाले के काम चेक करो भाई, कितने खतरनाक नेट फेंक रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि सामने वाले बंदे कुछ ज्यादा ही प्रो है, लेकिन ऐसा नहीं है भाया, मतलब जो बादल गरजते हैं वो अक्सर बरसते नहीं है। खैर मैंने सोचा क्यों ना यार ये नेट फेंक के मारूं, उड़ के आ रहे हैं ना, लेकिन ये तो वो सीन हो गया, खुदा बाहर निकला चूहा। खैर तुम्हारा भाई यहां पर आता है, सामने एक बंदा नजर आता है, मैंने कहा चलो ओके नीचे भी है कोई। ओ भाई इसकी तो, अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई भाई, डैमेज देख रहे हो, ये होते हैं प्रो खिलाड़े, हैक वैक लगा के आए हैं क्या चलो जल्दी से किट करते हैं, फिर इसको अपना हैक बताते हैं भाई। आखिर M2 है, ओहो M4 है यार, अपग्रेड हो गया हूँ यार मैं, लेकिन क्या करें यार गरीबी जाती नहीं है। छोड़ो खैर पुश करते हैं, किधर गए? अच्छा तो इस घर में, ओके यहाँ एंगल नहीं बन रहा।
जरा भाई ध्यान से देखना इस फाइट को, क्योंकि ये फाइट खतरनाक से खतरनाक है। क्यों वो बताता हूँ मैं आपको। साहब ये क्या था? खैर गए तो भाई यहाँ पर आता है बगी लेकर, एंड अब यहाँ पर देखो भाई एक और हैंड गेम के साथ क्लच। आई होप आपको मजा आए। एंड कोई तो आ रहा है ऊपर, ओके छत के ऊपर आ गया है बंदा, इसको तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर सामने से गाड़ी भी आ रही है। आ रही है क्या? नहीं, अच्छा अभी आ रही है, ओके। मुझे लग रहा था गाड़ी मेरे ऊपर आ रही है, लेकिन ये गाड़ी वाले बंदे चमगादड़ वाले बंदे को भाई घेर लेते हैं, ओपन मैन पकड़ लेते हैं। एंड गाइस आप लोगों को हैंड कैम कैसा लग रहा है? आपको मजीद हैंड कैम चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर आप ये बंदे सामने देखो, एक बंदे को निपटा दिए, नहीं निपटाए वो भाग गया, तो मैंने कहा चलो मैं इनको निपटा देता हूँ। भाई भाई हबीबी गोडू लो भी माय फ्रेंड। सो गाइस चलते हैं यहां पर गेम के अंदर। ओके तो गाइस यहां पर आपको लगे हाथ बता दूं गेम के अंदर न्यू एक्स सूट आ गया, जिसका नाम है ग्लैडेरिया एक्स सूट। तो जल्दी से ओपन करते हैं, देखते हैं भाई साहब ये होने वाला है यहां पर 6 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। आप लोग स्पिन करके इसको निकाल सकते हो, रिवार्ड चेक करते हैं। ओके सबसे पहले यहां पर एक्स सूट आ गया है, अंदर से देखते हैं इसका बेसिक फॉर्म। ठीक है, अच्छा है भाई, कुछ चाइनीज करके है, मतलब देख रहे हो चाइनीज थीम पर लग रहा है मुझे तो पर्सनली। इसका लेवल 2 है एंड एनिमेशन काफी मजेदार है। एडवांस फॉर्म विक्ट्री, भाई विक्ट्री देख रहे हो ऐसे अंदर से ना वो बिजलियां चमक रही है। उसके बाद जिसका एंट्री इमोट है जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। ओके भाई हवाएं आ रही हैं, और ये देखो चाइनीज थीम है पीछे पूरा, आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ ये इसका इमोट एक्सक्लूसिव, ओके भाई जे आप भाई ना चस यहाँ पर खैर। उसके बाद ये रहा इसका फाइनल फॉर्म, आउटफिट ये है, ओके। उसके बाद टैग भी देखने को मिल जाता है प्लेन के ऊपर और चेयर पार्क वगैरह में। उसके बाद शेर इसकी रेडियंट फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर इसका एक ग्लाइडर है, ये इसका ऑर्बिटर है, साथ में घूमता रहता है, और यहाँ पर ये समन भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आ गई है फर्स्ट LMG की अपग्रेडेबल स्किन, जो भाई लेवल 8 तक जाएगी। चेक करते हैं भाई बेसिक फॉर्म, नाइस। उसके बाद एलिमिनेशन, ओए वो ये क्या हो रहा है भाई, देखो छोटे छोटे कबूतर उड़ रहे हैं साथ में। और ये रहा इसका एक्सक्लूसिव फैक्ट, ओके। एडवांस फॉर्म एलिमिनेशन काफ़ी मज़े का एक्स सूट जैसा है। उसके साथ साथ हिट डैमेज, नाइस। उसके बाद यहाँ पर फाइनल फॉर्म, उसके बाद इसका इमोट देख रहे हो गाइस, यहाँ पर बर्ड्स निकल रहे हैं इसके अंदर से, क्या बात है यार। उसके बाद ये रहा इसका लूट केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। क्या बना हुआ है यार, ये पहाड़ से कुछ तो बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके इमोट्स, ओके इसमें कोई साउंड नहीं है, नाइस डिसेंट इमोट, ओके। उसके साथ ये इमोट मुझे बढ़िया लग रहा है, क्यों? हाँ देखा, ये इमोट बढ़िया है, इसमें एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा मज़े का, क्लैपिंग हो रहा है, ओके। साथ ही हेलमेट बैकपैक, और साथ साथ यहाँ पर एक और आउटफिट भी है, और ये चिकन वाला मास्क भी है, ओके। उसके साथ ये आउटफिट भी है, ये ओके ये क्रोबार है, ओके। और बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो गाइज आपको ये वाला एक सूट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।